फ्रेंड्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 टाइम ये करेंगे। ये देखो, ये इसमें क्या है। फर्स्ट सब देखो इसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू 24 आवर क्लॉक टाइम। आपने 24 आवर क्लॉक टाइम में इनको कन्वर्ट करना है। ये 12 आवर क्लॉक टाइम दिए हुए हैं आपको ये, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है 5:45 PM। PM का मतलब इवनिंग वाला, जो 5:45 है ये, ठीक है, इवनिंग वाला जो होता है। अब ये जो पीएम है, पीएम होता है तो ये जो आवर्स वाला जो होता है, इसमें 12 प्लस कर दिया जाता है। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, उसमें ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें हम 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 70, ये 17:45 आवर्स ये लिखा जाएगा इसको, 17:45 आवर्स। फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ एएम है, एएम में इसको एएम में इसको यू का यू लिख देते हैं, 4 डिजिट में लिखते हैं इनको। देखो ये क्या लिखेंगे, 6:30 AM, इसको लिखेंगे हम 06, ये आवर को रिप्रेजेंट करता है, और 30 आवर्स ये हो जाएगा इसका। ये ऐसे 1:15 AM है, एएम को, इस 1:15 AM को भी कैसे लिखेंगे हम, 0115 आवर्स, ठीक है ना। 01 ये आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, 15 मिनट को। इसमें 2:40 PM, 2:40 PM मतलब आफ्टरनून के बाद का, जो नून के बाद का जो होता है, ये 2:40 PM है। तो इसमें हम 12 प्लस कर देंगे 2 में, ये आवर्स में कितना हो जाएगा, ये 14, 12 प्लस 2 14, 14 इसको यूं कहीं लिखेंगे, 14:40 आवर्स ये आ गया हमारे पास। ये अब अगला देखो, ये सेकंड सम, कन्वर्ट टू 12 आवर क्लॉक टाइम। ये आपको 24 आवर क्लॉक टाइम दिया हुआ है, इसको इसको अपने 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है। उसी तरीके से देखो, ये 12:40, ये जो 12 के बाद का टाइम है, नून के बाद का टाइम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पीएम में कन्वर्ट कर देंगे। पीएम में इसको लिखते हैं हम, देखो जो 12 के बाद का टाइम होता है पीएम में लिखते हैं, जो नून के बाद का जो होता है, क्या लिखेंगे इसको, 12:40 PM, ठीक है, 9:25 आवर्स। ये 9 जो 12 से कम है ये, ठीक है। तो ये एम वाला टाइम है, ये आपको समझाया हुआ है, उसमें देखना इंट्रोडक्शन वाले, इसमें फर्स्ट वीडियो में देखना, उसमें सारा समझाया हुआ है पहले। तो ये कितना आ जाएगा यहां पर, ये 9:25 AM। अब यहां पर कितना, ये 21:15 आवर्स, ये 21, ये 21:15 आवर्स है ये, ठीक है। तो ये जो 21 है, ये कितना है, ये आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, 21 आवर है, ठीक है। तो 12 से बड़ा है ये, ठीक है। तो पीएम का टाइम है, तो इसमें से हम 12 माइनस कर देंगे 21 में से, 21 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9, 9 आगे कितना है, 15, 15 मिनट्स। इसका मतलब है 9:15 PM, ये पीएम वाला है ये, क्योंकि ये 12 से ज्यादा है। ऐसे इसमें देखो, ये गुंजन रीच्ड एयरपोर्ट एट 11:25 PM। गुंजन जो है एयरपोर्ट पर 11:25 PM पर पहुंचती है, मतलब इवनिंग वाले टाइम पर पहुंचती है शाम को। देखो, व्हाट टाइम वाज इट बाय द एयरपोर्ट क्लॉक, एयरपोर्ट क्लॉक के हिसाब से इसका टाइम क्या होगा ये बताना है। एयरपोर्ट पर 24 आवर क्लॉक टाइम होता है, तो हमें इसको 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीएम लिखा हुआ है, इसलिए हम 11 में 12 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23, 23:25 आवर्स आवर्स ये आ जाएगा इसका। ये ऐसे ही देखो, ये फोर्थ सम देखेंगे अब। ये वरुण वेंट फॉर इवनिंग वॉक एट 5:30 PM। वरुण जो है इवनिंग वॉक के लिए 5:30 PM पर जाता है, वो इवनिंग में जाता है मतलब, ठीक है। व्हाट टाइम वाज इट बाय 24 आवर क्लॉक टाइम, 24 आवर क्लॉक टाइम के हिसाब से क्या टाइम होगा इसका। ये तो ये पीएम है, पीएम है तो हम क्या करेंगे, ये जो आवर्स है ये, इसमें हम 12 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 17:30 आवर्स ये आ जाएगा इसका। ये तो इस तरीके से करना है आपने ये। थैंक यू।